हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और E24 के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मुझे। और हम बात करेंगे आज दिव्या भारती की। दिव्या भारती अगर आज हमारे बीच होती तो वो 46 साल की होती। 25 फरवरी 1974 को उनका मुंबई में जन्म हुआ था और बहुत कम उम्र से ही वो फिल्मों में आ गई। 14-15 साल की उम्र से ही तेलुगू फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद कई सारी उन्होंने तेलुगू की फिल्में की। उसके बाद बॉलीवुड में भी उन्होंने कोशिश की और पहली फिल्म जो उनको मिली थी वो मिली थी गुनाहों का देवता मिथुन चक्रवर्ती के साथ, लेकिन उस फिल्म के लिए उनकी बात नहीं बनी। फिर दूसरी फिल्म उनको राधा का संगम मिली थी, उस फिल्म में भी एन मोमेंट पे फिर जूही चावला की एंट्री हो गई। और फिल्म के जो मेकर्स थे उन्होंने ये दलील दी कि दिव्या भारती जो है बहुत इमेच्योर है और फिल्म के जो लिए जो एक्ट्रेस का रोल है वो बहुत गंभीर रोल है। ऐसे में दिव्या जो है बहुत डिप्रेशन में आ गई थी कि उनको मतलब फिल्में तो मिल रही थी लेकिन एन मोमेंट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही थी। फाइनली विश्वात्मा फिल्म से वो बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई और सात समंदर पार गाने पे डांस करती हुई विद्या जो है रातों रात तमाम हिंदी फिल्मों के दर्शकों के दिलों में बस गई। उस फिल्म के बाद ये कहा जाने लगा कि दिव्या भारती जो है बॉलीवुड में श्रीदेवी की जगह ले सकती है। वो श्रीदेवी की तरह दिखती भी थी, एक संयोग है कि बिल्कुल उनको श्रीदेवी का लुक अलाइक माना जाता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्में उनकी आईं। करीब उन्होंने 22 से 23 फिल्में की जिसमें तेलुगु की भी कुछ फिल्में हैं। हिंदी में भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की जिसमें से उनकी फिल्म दीवाना जो थी शाहरुख खान के साथ हिट रही, विश्वात्मा भी हिट रही और उस फिल्म से उनको पहचान मिल गई थी। इसके बाद गोविंदा के साथ उनकी फिल्म शोला और शबनम आई, वो फिल्म भी हिट रही। इसी दौरान दिल का क्या कसूर एक जैसी फिल्म थी, वो फिल्म म्यूजिकली तो हिट थी लेकिन वो फिल्म जो है सिनेमाघरों में चली नहीं थी। तो कई हिट फिल्मों के बीच दिव्या की कुछ फ्लॉप फिल्में रही लेकिन उनका करियर जो है बॉलीवुड में बहुत शानदार चल रहा था। आपको हम बता दें कि दिव्या भारती की खूबसूरती की बहुत चर्चा होने लगी थी, बहुत कम समय में उनके बहुत सारे फैंस बन गए थे और इसी समय उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा था। फिल्म शोला और शबनम के सेट पे वो मिली थी साजिद नाडियाडवाला से और दोनों ने शादी कर ली। बताया जाता है कि शादी बहुत गुपचुप तरीके से हुई थी, किसी को पता भी नहीं था कि दिव्या भारती मैरिड हुई है। उनके मैरिड होने का खुलासा तब हुआ जब उनका निधन हुआ था। आपको बताएं कि उन्होंने साजिद नाडियाडवाला से निकाह कर लिया था और अपना नाम जो है सना नाडियाडवाला रख लिया था और साजिद के साथ ही वो रह रही थी। इसके साथ साथ बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में उन्होंने साइन कर रखी थी और बॉलीवुड की फिल्में साइन करते वक्त वो ये भी ध्यान रखती थी कि साउथ से उनको पॉपुलैरिटी मिली थी। तो उस दौरान बॉलीवुड में बिजी होने के बावजूद भी साल में वो एक या दो फिल्में साउथ की ज़रूर करती थी। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती जो है शाम के वक्त जो है बालकनी से गिरकर उनका निधन हो गया था। उस वक्त उनके घर में फैशन डिज़ाइनर नीता लूला और उनके पति थे और साथ में घर में एक नौकरानी थी। दिव्या जो है बालकनी में गई और फिर पांचवी मंजिल से वो कैसे नीचे गिर गई, ये एक जो राज है ये लंबे समय तक राज ही बना रह गया। इस पर छानबीन भी हुई, बहुत सारे पुलिस मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया था और पूरे मामले की जांच की गई कि दिव्या ने का जो मौत है दिव्या की जो निधन जो का जो निधन हुआ है ये एक हादसा था, हत्या था या फिर आत्महत्या था, क्या वजह थी कि पांचवी मंजिल से वो गिर गई। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि शराब के नशे में वो अपनी बालकनी से गिर गई। खैर जो भी हो, दिव्या भारती की मौत ने उनके तमाम फैंस को दहला दिया, बॉलीवुड दहल गया और उस वक्त दिव्या ने बॉलीवुड की कम से कम 6 से 7 फिल्में साइन कर रखी थी और वो सभी फिल्में कह सकते हैं एक तरह से अटक गई। रंग फिल्म में उन्होंने काम किया था, रंग की उन्होंने शूटिंग कम्प्लीट कर ली थी, कुछ एक हिस्से बचे थे जिनको बाद में किसी तरह से फिल्माया गया। उनकी डबिंग नहीं हुई थी तो डबिंग का काम भी किया गया। इसके अलावा उनकी फिल्म एक थी जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज, उस फिल्म की भी शूटिंग कंप्लीट थी लेकिन बहुत सारा पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बचा था जो कि किसी तरह से किया गया। लाडला फिल्म में उनकी जगह श्रीदेवी को लिया गया। आपको हम बताएं कि श्रीदेवी की तरह दिखने वाली दिव्या भारती को जानबूझ करके ऐसे ले गया कि श्रीदेवी जो है उस रोल में फिट बैठेंगी। श्रीदेवी ने वो फिल्म साइन कर ली लेकिन फिल्म के सेट पर कुछ ऐसे हादसे हुआ, कुछ ऐसा वाक्या हुआ जिससे कहा गया कि कहीं ना कहीं लोगों ने इसको दिव्या के साथ जोड़ा। श्रीदेवी जब फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो वो उसी लाइन पर अटकती थी जहाँ दिव्या भारती अटक गई थी। इसके अलावा रंग फिल्म के सेट से भी ये खबर ये आई थी कि रंग फिल्म की जब स्क्रीनिंग चल रही थी तो पूरा पर्दा गिर गया था। जैसे ही दिव्या भारती को दिखाया गया पर्दे में वो पूरा स्क्रीन गिर गया। तो लोग जो है कहीं ना कहीं इसको
एक अलग दुनिया से जोड़ने लगे थे। हालांकि ये सच्चाई है क्या है, लेकिन ऐसी खबरें आई थी कि लोगों को कुछ ऐसा लगा कि दिव्या भारती उनके साथ वहाँ मौजूद थी। खैर, ये श्रीदेवी ने भी इस बात को माना और शक्ति कपूर जो कि लाडला फिल्म में काम कर रहे थे उन्होंने भी इस बात को माना। रवीना टंडन भी उस फिल्म में थी। श्रीदेवी और दिव्या भारती का कनेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं रहा। आप देखिए कि 24 फरवरी जो है वो श्रीदेवी के पुण्यतिथि की का दिन होता है और 25 फरवरी जो है कहीं ना कहीं दिव्या भारती का बर्थडे होता है। दिव्या भारती के बर्थडे पे उनके तमाम फैंस उनको याद करें। सोशल मीडिया पे उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी जा रही हैं। उनके तमाम फैंस उस चुलबुली, उस क्यूट सी दिखने वाली हीरोइन को याद कर रहे हैं जिसने ये फिल्म दीवाना हो, चाहे वो शोला और शबनम हो, इन तमाम फिल्मों के ज़रिए फैंस को अपना दीवाना बना लिया। उनकी फिल्म का गाना सात समंदर पार जो है आज भी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होती जहाँ वो उस गाने को बजाया ना जाता हो और दिव्या भारती को लोग उस बहाने याद ना करते हों। भले ही दिव्या हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी वो तमाम फिल्में, उनकी वो खूबसूरती, उनके वो खूबसूरत गाने, उनके वो तमाम डांस आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं और लोग दिव्या भारती को नहीं भूलेंगे जो सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया से चली गई थी।